भाई स्लॉट वेस्टेड और ये सब जो लिख रहे हो वो सही नहीं है गाइज। उन लोग अपनी मेहनत से जीते हैं, तो वेस्टेड वेस्टेड मत बोलो प्लीज़। उधर लिखने से कुछ नहीं होगा, तुम वहाँ बैठ के लिख रहे हो और उन लोग वहाँ चैंपियन बन गए हैं भाई। तो तुम समझ लो तुम क्या हो और वो क्या है। तो किसी को भी ऐसा सब नहीं बोलेगा, कोई भी मेरी चैट में तो खासकर कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई बोल रहा है तो हाइड दे दो, टाइम आउट दे दो, जो देना है दे दो भाई। ब्रो प्लीज हेटर्स को बोलो कि स्लॉट वेस्ट बोलना बंद करे, दे शुड रिस्पेक्ट स्काईलाइट गेमिंग। ऑब्वियसली ब्रो, दे शुड फकिंग रिस्पेक्ट देम डम पीपल। Why everyone saying slot waste? They deserve the slot. Obviously they deserve it. They जो बोल रहा है ना वो अक्कल नहीं है उनको। क्या नहीं है? अक्कल नहीं है। अगर उनमें दिमाग होता तो वो कभी ऐसा चैट में लिखता क्या? आप जरा सोचो, जो टीम जीती, जो टीम इतना मेहनत की, जो टीम 24 गेम खेल के जीती है, तुम समझ रहे हो, उसको ये बोलना अभी वर्थ है क्या? वर्थ तो वो पागल लोग नहीं है तो क्या है? उनमें दिमाग नहीं है तो क्या नहीं है? Which team from India are going to PMJC? भाई अभी तो स्काईलाइट ही जाएगी ना, वो जीते हैं तो वही जाएंगे, विनर को स्लॉट था तो वही जाएंगे। लक नाम की चीज़ है जो स्काईलाइट के साथ था, यही फैक्ट है। शुभो भाई आई डोंट बिलीव इन लक, ये चीज़ मैं तुमको बता दूँ। लक वक बोलने की बात है, अगर तुम 24 गेम मिली है ना, 24 गेम्स बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई, उसमें लक नहीं होता है, तुम्हारी मेहनत कर रहती है। तो वो जो लक अगर तुम बोल भी रहे हो ना, तो वो लक तब होएगा जब तुम्हारी मेहनत होगी। अबे तुम नहीं खेल के तुम्हारे को लक अपने आप पॉइंट देगा क्या आके? ये सब बातें ना थोड़ा दिमाग मत खराब करने वाले बातें करो। गेमर जोन भाई इस तरह का कैंप पीएमजीसी में करेंगे स्काईलाइट, तो बस मजाक भी बनेगा इंडिया का और कुछ नहीं। गेमर जोन भाई पहले तो मैं नहीं चाहता हूँ आप अपने ये 100 रुपया वेस्ट करो। अगर आप मुझे सुपर चैट नहीं करोगे तो मुझे चलेगा, बट ऐसे सुपर चैट मत करो। तुम समझ रहे हो, वो कैंप कर रहे हैं ना, तो वो लोग चैंपियन बन गए और तुम इधर बैठ के सुपर चैट कर रहे हो मेरे को। फर्क है, वो 50 लाख जीते हैं, समझे? तो प्लीज किसी के लिए बुरा भरा मेरी चैट में आके मत बोलो, और खासकर तो सुपर चैट देके। अगर वो कुछ भी करे, वो लोग चैंपियन है, तुम नहीं बोल सकते वो क्या है वो क्या नहीं है। प्लीज मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमको ब्लॉक कर दूँ या तुमको तुम्हारा मैसेज को रिट्रैक्ट कर दूँ या क्या, मेरे को नहीं पता क्या करूँ। बट अपना मुंह ऐसे गलत अलट सुलट शब्द पे प्लीज़ ना यूज़ करो, वरना दिमाग ख़राब हो जाएगा। यू थिंक एक्सो 3 अवे द गेम टुडे? नो ब्रो आई डोंट, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, क्योंकि भाई वो खेले, उन लोग अपना बेस्ट दिए भाई। कितना प्रेशर होता है, कितना मगजमारी होता है, वो उनको ही पता है। हम ऐसे यहाँ से अज्यूम नहीं कर सकते, हम यहाँ से ऐसे बोल नहीं, क्योंकि मैं खुद खेला हूँ, मेरे को पता है कितना प्रेशर होता है भाई। कोई 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 ऐसा सोचता नहीं कि हमको थ्रो करना है, कोई ऐसा सब नहीं। किसी का दिमाग, जब चैंपियन बन सकता है बंदा, तो वो ये सोचेगा मैं थ्रो करूँगा भाई। वो गेम ही वैसा चलता है ना, पूरा ऐसा कॉम्पिटिशन का टाइम होता है ना, कि उसमें चीज़ें, गलतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो भी है वो होती है प्लेयर, बट वो कोई बात नहीं, इट्स वेरी नॉर्मल भाई। कोई थ्रो नहीं करता है, सब बेस्ट देते हैं अपना। गाइस मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं यार, ये अपनी इंडिया की टीम है, इसको डिसरिस्पेक्ट ना करके आप लोग सपोर्ट करोगे ना, तो लोग और अच्छा खेलेंगे। इन लोग बाहर जाएंगे, इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। तो गाइस प्लीज़ मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, इंडियन टीम है यार, आप लोग चलो ठीक है, अपने घर के झगड़े बाहर नहीं दिखाने होते, समझ लो, घर के झगड़े बाहर मत दिखाओ ना यार। तो वही चीज़ है, जो भी आप ट्रोल घर पर करते हो ना, इंडिया के अंदर करते हो यार, बट बस इंटरनेशनल लेवल पर मत करना। इंटरनेशनल लेवल पर यार इंडिया को सपोर्ट करो, उनका नाम लिखो, उनको सपोर्ट और मोटिवेट करो, तो एटलीस्ट उन लोग को ये रहेगा ना अपना देश अपना सपोर्ट पे। यार बस ये चीज़ चाहता हूँ मैं आप लोग से। अभी तक जितना ट्रोल करते कर लिया, ठीक है, इमेच्योरिटी थी, बट अब बंद कर दो यार। अब आप लोग को पता है कोई भी टीम किससे कुछ दिक्कत नहीं है, सब चिल करते, सब रिलैक्स करते यार। बस वही है, थोड़ा सपोर्ट करो यार अपनी टीम्स को, क्यों डिमोटिवेट करना।